इतना सब कुछ होता है, तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है, ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाड़ियों में, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं, ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें। तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस। और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं, थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा, अब तक जो नहीं था। तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहां पर। जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में। तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है, फिर देश दरिद्र कैसे हो गया? ये कहानी अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा। इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूं आप। कहीं से हम दरिद्र नहीं है, भगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको दरिद्र नहीं बनाया। हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के कॉम्पिटिशन में आगे है, उत्पादन हर तरह का गांव में, और उद्योग भी कोई कम नहीं है अब इस देश में। भारत सरकार का सेंसस है जो ये कहता है कि 5,80,00,000 उद्योग चल रहे हैं इस समय देश में, 5,80,00,000, और अच्छे चल रहे हैं। सारी दुनिया में मंदी आई लेकिन हमारे उद्योगों में नहीं आई, कुछ तो कारण है। कारण उसका एक है कि हमारे उद्योगों में मेहनत करने वाले जो मजदूर है ना, दुनिया में सबसे सस्ते हैं। इतने सस्ते मजदूर पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं जो हमारे उद्योगों में हैं। 12-12 घंटे काम कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह पर, जो कोई नहीं करता पूरी दुनिया। अब श्रम बहुत सस्ता, और भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक माल बहुत है हमारे पास, कच्चा माल। अब दो चीजें अगर उद्योगों को मिल जाएं, श्रम सस्ता हो, कच्चा माल भरपूर हो, वो सस्ता हो, तो उद्योगों में तो पैदा ही पैदा है। 5,80,00,000 उद्योग है, कोई कम नहीं। और इतने उद्योग और इतना खेती, तो व्यापार भी अच्छा है इस देश में, व्यापार में कोई कमी नहीं है। सरकार कहती है कि कम से कम 20,00,00,000 का व्यापार हो जाता है साल में इस देश में, अंदर देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारा कुछ अच्छा अच्छा है, उद्योग, व्यापार, खेती, फिर भारत गरीब क्यों? ये तो गंभीर प्रश्न है। और इतना गरीब कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी में हमारा नंबर आए। अब ये प्रश्न हमें समझना है। अब हमारे मन में इस प्रश्न को समझने के समय एक बात आती है, क्या भारत की गरीबी हजारों साल की है?